गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज मैं आपको रिवीजन कराऊंगी इंग्लिश में। आपने अल्फाबेट तो पढ़ ही रखे होंगे, आपको कविता मैम ने अल्फाबेट कराए थे ना, अब मैं आपको रिवीजन कराऊंगी। ओके, आपको जिससे और अच्छे से लर्न हो जाएगा। देखो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कप, डी फॉर ड्रम। ओके, ये तो आपको आता ही है। देखो, ए फॉर एप्पल के बाद क्या आता है? बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल के बाद क्या आता है? सी फॉर कप। सी फॉर कप के बाद क्या आता है? डी फॉर ड्रम। देखो, आपको बनाना भी आता है, तो मैं आपको एक बार दोबारा से सिखाऊंगी ए फॉर एप्पल कैसे बनता है। स्लैंटिंग लाइन, दोबारा से दूसरी स्लैंटिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया? ए फॉर एप्पल। ए के बाद क्या आता है? ए के बाद क्या आता है? बी फॉर बॉल। क्या आता है? बी फॉर बॉल। स्टैंडिंग लाइन, वन कर एंड अनदर टू कर। ओके, ये क्या बन गया? बी। क्या बन गया? बी। अब ये सी, अपन ने कर्व कर दिया, तो ये क्या बन गया? सी। सी फॉर कप। ये बी कैसे बनना है? स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व। क्या बन गया? डी। डी फॉर ड्रम। ओके, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कप, डी फॉर ड्रम। ओके, आपको ये याद हो गए? आप इनको लर्न कर लेना अच्छे से, जिससे आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, देखो वापस मैं रिपीट कर रही हूं एक बार और। ए बी सी डी, ए के बाद क्या आता है? बी। बी के बाद क्या आता है? सी। सी के बाद क्या आता है? डी। आपको ये रिवीजन डेली करना है। ओके, बाय।